नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो एप्पल लैपटॉप का, कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके हम क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं और इसको रिपेयर भी हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कि हमारी क्या प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को हम जांचेंगे, फिर बताएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है, किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको बताते हैं एप्पल लैपटॉप को कैसे हम रिपेयर करते हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम आती है, कैसे उसमें प्रॉब्लम आती है और उनका सॉर्ट आउट कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्पल लैपटॉप के मॉडल की, जो हमारे पास आया हुआ है ये 1278 पुराने वाला मॉडल है। i5 में ये मशीन होती है, फर्स्ट या सेकंड जनरेशन होती है, ये 10 साल पुरानी मशीन है, पर मशीन बहुत अच्छी है। चलने के मामले में यदि हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज ये मशीन बहुत अच्छी होती है, आज भी चल रही है जिनके पास है, इतनी जल्दी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है और नॉर्मल काम के लिए एप्पल का लैपटॉप आज भी बिल्कुल परफेक्ट है। और जो ये पुराने मॉडल आते हैं हमारे 1278 हो गया, 1398 हो गया और 1466 हो गया, इस टाइप के जो भी मॉडल है, जो पुराने मॉडल है, वो आज भी बहुत अच्छे कामयाब हैं एप्पल के और आज भी चल रहे हैं और परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। हार्ड डिस्क पहले होती थी, अब हार्ड डिस्क की जगह हम SSD में अपग्रेड कर लेते हैं तो और अच्छी स्पीड हो जाती है और अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या आ रही है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे, आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। तो हम बात करते हैं इस लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या आ रही है 1278 में। तो हम बात कर रहे हैं 1278 की, तो चेक करते हैं, हम इसको ऑन कर रहे हैं, हमारी मशीन ऑन नहीं हो पा रही है। यहाँ पे आप देखो कोई लाइट नहीं जल रही है, ऑन कर रहे हैं इसको। तो ये पहला स्टेप कहीं का होगा, पहला स्टेप हम स्विच का भी मान सकते हैं कि स्विच से प्रॉब्लम हो या हमारी बैटरी डाउन हो, तो पहले हम करते हैं कि चार्जर लगा के चेक करते हैं। ये हमने चार्जर लगाया हुआ है तो इसको हम चेक कर रहे हैं चार्जर लगा के। ये आप देखोगे इसमें चार्जर में क्या होता है, यहाँ पे लाइट आ जाती है। यदि हमारी बोर्ड की या किसी और समस्या ना हो, चार्जर की समस्या ना हो, स्विच की हो समस्या या कुछ और समस्या हो, तो चार्जर में लाइट जल जाएगी हमारी मशीन पर ऑन नहीं होगी यदि स्विच की प्रॉब्लम है। तो स्विच की प्रॉब्लम नहीं है, अंदर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो अब ये हम चार्जर हटा लेते हैं और इसको खोल के चेक करते हैं कि कहाँ पे ये हमारी प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड में है या DC जैक में है, किस चीज में प्रॉब्लम है। इसके बाद नंबर हमारा DC जैक का भी आता है तो वही हम चेक करेंगे, इसके बोल्ट वगैरह अंदर एंटर हो रहे हैं या सही से नहीं हो पा रहे हैं। तो दूसरा स्टेप यदि हम बात करें स्टेप की, तो दूसरा स्टेप होता है हमारा DC जैक का, कि DC जैक की तो प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी पावर सही से एंटर हो रही है या नहीं हो रही है। एप्पल लैपटॉप हम पहले भी आपको बता चुके हैं परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे लैपटॉप होते हैं, काम करने के लिए, ग्राफिक वगैरह के काम के लिए, नॉर्मल काम के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट लैपटॉप होता है। और 1278 मॉडल जो है काफ़ी पुराना मॉडल है और बहुत हैवी ड्यूटी मशीन थी ये 1278 जो थी, जिसके पास है आज भी उसको चला रहा है, रिपेयर करा के चला रहा है। और यदि आपका लैपटॉप एप्पल स्लो चल रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, जो ये हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप हैं आजकल स्लो हो गए हैं थोड़े इनका परफॉर्मेंस, तो उसके लिए आप इसमें SSD लगवा सकते हैं, SSD लगवा के इसको परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं आप एप्पल के लैपटॉप का परफॉर्मेंस। ये अब आप हमने खोल दिया है आपका लैपटॉप, तो इसे हम अब देखते हैं चेक करके कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे है और कहाँ पे है, उसके बाद हम बताते हैं। सबसे पहले हम अपना DC जैक चेंज कर चेक करके देखते हैं कि DC में तो प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी काम करने से पहले हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि बैटरी को आप डिस्कनेक्ट कर लिया करें, फिर उसके बाद मदरबोर्ड पे काम करें। तो हम अपना DC जैक चेंज करते हैं सबसे पहले, कि हमारे DC में तो प्रॉब्लम नहीं है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे।
जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो अब हम चार्जर लगा के चेक करते हैं। पहले वाले में तो हमारे चार्जर में लाइट नहीं आई थी, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा डीसी पे काम किया है, लाइट आई थी है चार्जर पे या नहीं आती है। तो ये आप देखोगे लाइट आ गई है चार्जर पे। तो अब हम उसके बाद डीसी जैक चेक करते हैं अपना कि हमारे डीसी जैक में प्रॉब्लम है या फिर मदरबोर्ड में कहीं पे कहां पे इशू है। ये आप देखोगे 16 वोल्ट एंटर हो रहे हैं हमारे इसमें डीसी में, 16 वोल्ट मीटर पे आ रहे हैं, तो हमारा यानी डीसी ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, मदरबोर्ड पे पावर सीपीयू तक जा रही है या नहीं जा रही है, जा रही है तो कहाँ पे शॉर्ट हो रही, रुक रही है तो कहाँ पे ड्रॉप हो रही है, ये सब चीज चेक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चेक होता है, उसको हम चेक करके आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं या कहाँ पे इसको हम चेक कर सकते हैं। मदरबोर्ड का यदि हमारा ऑन नहीं हो रहा है, डेड लैपटॉप है, तो उसमें पहला स्टेप होता है हमारा चार्जर ओके है क्या, चार्जर यदि ओके है उसके बाद हमारा डीसी जैक ओके है क्या, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा जो ऑन ऑफ का स्विच होता है वो ठीक है या नहीं है, वो भी हम चेक कराएंगे आपको कि उसके बाद बोल्ट आ रहे हैं तो क्या हो सकता है कि हमारा स्विच खराब हो, स्विच की वजह से मशीन ऑन ना हो रही हो, तो वो भी हम आपको चेक कराएंगे कि स्विच पे हमारे 3 बोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हमारा होता है कि हमारे जो पावर सेक्शन जो होता है उसमें हमारी पावर सप्लाई सही से सर्कुलेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये 3-4 आपके स्टेप्स होते हैं जिसके कि हमारा डेड लैपटॉप की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। यदि ऐसा इसमें क्या होता है, इनबिल्ट सीपीयू होता है, उसकी वजह से यदि वो सॉर्ट हो गया तो फिर हमारा उस कंडीशन में मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ता है, वो भी हम आपको बताएंगे कि उसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारा सीपीयू तो सॉर्ट नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, इसका चेक करते हैं कि इसका स्विच में तो प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए हमें इसका लैपटॉप को पूरा खोलना पड़ेगा, मदरबोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमने आपको बताया बैटरी हटा लो, जब हम लैपटॉप पे काम करते हैं तो बैटरी को हटा लेना चाहिए। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। ये आप देखोगे हमारा मदरबोर्ड 1278 का बोर्ड कैसा होता है, ये 1278 का बोर्ड ऑन बोर्ड सीपीयू होता है, हमने आपको बताया यदि सीपीयू शॉर्ट हो गया तो फिर हमें इस कंडीशन में मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, हमने आपको बताया था स्विच का क्या होता है, स्विच जो होता है इसका ये कीबोर्ड पे ही होता है, यहाँ से इसकी पावर यहाँ से ही मिलती है स्विच से, स्विच को स्विच इसमें अलग से नहीं लगता है, जो जाता है कीबोर्ड से ही जाता है, इसमें और कोई कनेक्टर स्विच का नहीं होता है। तो हम इसका चेक करते हैं हमारी प्रॉब्लम कि अब हम इसको एक बार देखेंगे कि डायरेक्ट ऑन करके चेक करते हैं कि भाई हमारा स्विच का तो इशू नहीं है। उसको डायग्नोस करने के लिए हमारा क्या है कि हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे कि हम स्विच को डायरेक्ट कैसे लगाएं, उसमें हमें देखना है कि 3 बोल्ट कहाँ पे आ रहे हैं, हमारे इस कीबोर्ड वाले कनेक्टर पे 3 बोल्ट कहीं पे आएंगे, जो हमारा ऑन ऑफ का कनेक्टर होगा जहाँ से इसको ऑन ऑफ के बटन को पावर मिलती है। तो हम वही चेक करते हैं, सबसे पहले डीसी को लगाना पड़ेगा, डीसी इसमें अलग से लगता है। डीसी में पावर यहाँ तक हमारे इसमें पावर आ चुकी है, तो हम स्विच का देखते हैं कि कहाँ पे। अब आप देखोगे लाइट नहीं जल रही है, पर डीसी में हमारे बोल्ट एंटर हो रहे हैं। तीन बोल्ट जिस पिन पे भी आएगा उस पिन को हम शॉर्ट करके लगाएंगे तो हमारी मशीन ऑन होनी चाहिए। अब ये देखोगे 3 बोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं इस वाली पिन पे,
एक बार मीटर पे दिखाओ, एक बार पिन पे दिखाओ। ये मीटर पे 3 बोल्ट आ रहे हैं, ये पिन पे हमने किया है, तो कौन सी पिन है हमारी? ये 1 2 3 4, वो 4 नंबर पिन पे हमारे 3 बोल्ट आ रहे हैं। तो हम इसको शॉर्ट करके यदि हम देखें कि हमारी मशीन ऑन हो पाती है या नहीं। शॉर्ट क्या करना होता है? पिन और ग्राउंड जो होता है उसको हम शॉर्ट करते हैं, तो हमारी मशीन ऑन होनी चाहिए। तो हमने ये 4 नंबर पिन और ग्राउंड शॉर्ट किया, पर हमारी मशीन फिर भी नहीं ऑन हो रही है। तो हमारे इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, ना हमारे स्विच में प्रॉब्लम है, ना हमारे डीसी में प्रॉब्लम है, ना हमारे चार्जर में प्रॉब्लम है। तो 3 स्टेप हम इसके क्लियर कर चुके हैं। चौथा स्टेप जो आता है वो पावर सेक्शन का आता है, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके पावर सेक्शन में हम कैसे चेक करते हैं, कहाँ से क्या चेक कर सकते हैं। तो वो हम आपको अब दिखाते हैं कि हम कहाँ पे जाके क्या चेक करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे स्टार्टअप में है, स्टेप डाउन हम उसको बोलते हैं सेक्शन, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोयल पे चेक करते हैं हमारे 3 और 5 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो हम चेक करते हैं इसको, हमारे 3 और 5 बन रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं 3-5 वोल्ट। तो दोनों में से किसी भी कोयल पे हमारे 3 और 5 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, तो फिर अब हम चेक करते हैं आईसी की रिक्वायरमेंट कि इसमें क्या क्या आईसी कहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहे हैं, किस आईसी में प्रॉब्लम है, वो हम आपको दिखाते हैं चेक करके कि कैसे हम उसको रिपेयर करते हैं। ये आप देखोगे आईसी हम जो इसमें शॉर्टिंग है स्टेप बाय स्टेप, इसको अभी हम ऐसा तो है नहीं एग्जैक्ट वही होता है, पर सपोर्टिंग कंपोनेंट होते हैं ये मेन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आप दिखा रहे हैं कि भाई ये मेन चिप को हटा के एक बार देखेंगे शॉर्टिंग उसी में है या सपोर्टिंग कंपोनेंट में प्रॉब्लम शॉर्टिंग। हमने यहाँ से आईसी हटा दिया, हाथ लगाओ एक बार सर, कहाँ से हटी है? ये मेन आईसी है जो इसकी होती है हमारी, क्या बोलते हैं सर इसको, स्टेप डाउन जो है ये उसकी मेन आईसी हमने ये हटाई है। अब उसके साथ एक बार दूसरी लगा के देखते हैं, मे भी हमारा इसी से प्रॉब्लम है, तो एक बार उसको लगा के हम चेक करते हैं कि हमारा मदरबोर्ड ऑन होता है या नहीं होता है।
हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं।